एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग ब्रायोनिया अल्वा के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप ब्रायोनिया के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए किसका जो पर्सन होता है उसके डार्क हेयर होते हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। डार्क हेयर एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन के लिए यहाँ पे आप नक्स उनका से भी कंपेयर कर लेते हैं, उसके साथ भी क्या होता है पर्सन में कॉम्प्लेक्शन जो होता है डार्क देखने को मिलता है। इसके बाद ब्रायोनिया का पर्सन कैसा होता है, सिलेंडर जैसा पर्सन होता है, थिन इरिटेबल और सिलेंड्रिकल पर्सन होता है। इसमें जो होता है ना गुस्सा बहुत इजीली देखने को मिलता है, मतलब छोटी छोटी बातों से इसका पर्सन जो है इजीली गुस्सा हो जाएगा। अगर ऐसा है कोई तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एक्शन आपको रूमेटिज्म एंड गाउटी कंप्लेन के लिए देखने को मिलेगा। रूमेटिज्म मतलब क्या होगा, जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है वो चाहे हमारे लार्ज ज्वाइंट्स हो या स्मॉल ज्वाइंट्स हो, अगर उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल रही, स्वेलिंग देखने को मिल रहा हो, हल्के से भी मोशन से अगर पेन क्रिएट हो जा रहा हो तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। एंड गाउटी में भी इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, जैसे जो हमारे लार्ज ज्वाइंट है, जो हमारी ग्रेट टो होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाए और उसका फॉर्मेशन भी ऐसा लगे कि अंगूठा जो है वो बिल्कुल भी सीधा ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, बल्जिंग टाइप की देखने को मिल रही है, तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे। इसके साथ हमें बिलियस टेंडेंसी देखने को मिलती, कहीं ना कहीं लीवर में अफेक्शन देखने को मिल रहा हो, तो इसके लिए ब्रायोनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके मेंटल जनरल्स की बात करते हैं कि इसके माइंड के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। हमें चैग्रीन से, मॉर्टिफिकेशन से, एंगर से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब क्या हो गया, अगर कोई इमोशन था उसका सप्रेशन हो गया है, जैसे आपका किसी से अटैचमेंट है बट वो रिश्ता टूटा और आप उसको नहीं बता पाए, तो आपके इमोशंस क्या थे वो सप्रेस हो गए। अगर ऐसा हुआ तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप कोलोसिंथिस एंड स्टेफिसेग्रिया से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट स्टेफिसेग्रिया की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पे इंडिग्नेशन वर्ड आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेफी और ब्रायोनिया को एक दूसरे से अलग करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं। अगर इसका कोई पर्सन है तो डिलीरियम की कंडीशन में, मतलब मदहोशी की कंडीशन अगर आती है उसको, तो उस समय भी कॉन्स्टेंट बिजनेस के बारे में बात करते रहेगा। मतलब अगर उसके बिजनेस में कुछ भी चल रहा हो उसके बारे में बात करता रहेगा, उसके बाद बेड से भागने की कोशिश करेगा और वो घर चला जाए। अगर ऐसा कोई पर्सन देखने को मिलता है तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप हेलीबोरस नाइगर से भी कंपेयर कर सकते हैं। हेलीबोरस नाइगर में क्या देखने को मिलता है हमें कि इसका जो पर्सन होता है ना, स्लीपलेसनेस देखने को मिलती है, मतलब सो नहीं पा रहा। किस वजह से, ऑफन इमेजिनरी बिजनेस एम्बेरसमेंट, मतलब उसने खुद से ही सोच लिया है कि उसकी इंसल्ट हुई है बिजनेस में, उसको बार बार सोचता ही जा रहा है, उसकी वजह से अगर कोई पर्सन नहीं सो पा रहा है तो वहां पे आप हेलीबोरस के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसका जो बच्चा रहता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि इसको कोई कैरी करे, मतलब जैसे गोदी लेते हैं ना बच्चे को, गोदी लेके अपन ऊपर भी उठाते हैं, ऐसा इसका बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। उसके बाद एक और प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजों की डिमांड करता है, स्पेशली वो सारी चीजों की जो चीज नहीं होती है, लेकिन आप उसको जैसे ही प्रोवाइड करते हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके फिजिकल जनरल्स की बात करते हैं तो इसके जो भी कंप्लेंट्स है ना आफ्टर कोल्ड डे, जैसे क्या है, जैसे ठंडी के दिन चल रहे थे उसके बाद जो गर्मी आने वाली है, या अगर कोई पर्सन है वार्म वेदर है उसकी वजह से, या तो अगर गर्मी थी और उसने कोल्ड थिंग्स ले ली जैसे आइसक्रीम खा ली हो, किसी पर्सन ने कोल्ड फूड ले लिया हो, एकदम गर्मी से गया एकदम ठंडा कुछ खा लिया, एकदम ठंडे में था कुछ गर्म खा लिया, अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है उसके बाद अगर सर्दी खांसी हो जा रही है या कोई भी कंप्लेंट्स अराइज हो रही है तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें कॉन्स्टेंट मोशन देखने को मिलता है लेफ्ट आर्म का एंड लेफ्ट लेग का। और अगर वहीं पे आप कंपेयर कर सकते हैं एपोसाइनम से, तो एपोसाइनम में क्या होता है, एक्यूट हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलता है, मतलब वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे। उसके बाद जो उसके सूचर्स होते हैं वो भी ओपन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कॉन्स्टेंट एंड वॉलेंट्री मोशन होते हैं, मतलब एक नियमित रूप से ऐसा ऐसा मोशन बना हुआ है और ऐच्छिक रूप से, मतलब पर्सन को पता है कि वो मोशन हो रहा है, ऐसा हमें एपोसाइनम में देखने को मिलता है। कोई भी वो हो सकता है, राइट साइड में भी वन आर्म एंड लेग देखने को मिल सकता है या लेफ्ट साइड के भी हाथ पैर का मोशन हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप हेलीबोरस नाइगर से भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोसिफेलस के बाद या तो फिर पोस्ट स्कारलेटिना, मतलब किसी को स्कारलेटिना फीवर हुआ था उसके बाद, या तो ट्यूबरकुलर, मतलब अगर किसी को टीबी हुई थी उसके बाद वन आर्म एंड वन लेग का मोशन बना हुआ है,
तो आप हेलिबोरस नाइगर के बारे में सोचेंगे। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम इसके पेन की बात करते हैं, तो इसका पेन जो होता है स्टिचिंग एंड टेरिंग टाइप का पेन। स्टिचिंग मतलब क्या हो गया, ऐसा लगता है कि जैसे खींच रहा हो वैसा दर्द देखने को मिलता है। टेरिंग मतलब जैसे कुछ टूट रहा हो, किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो अगर वैसा दर्द देखने को मिल रहा हो, और हल्का सा भी मोशन जैसे स्लाइट मोशन से भी हो, चाहे वो अगर कोई फिजिकल मोशन कर रहा हो या मेंटल लेवल पे, अगर जैसे दिमाग में भी कोई चीजें चल रही हो उससे भी यहाँ पे एग्रावेशन देखने को मिलता है। अब हम इसके एम्ब्यूलेशन की बात करते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब मेंटल और फिजिकल जो है ना जीरो पे होना चाहिए, मतलब ना उसका माइंड काम कर रहा हो पर्सन का, ना ही बॉडी काम कर रही है, तब यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलता है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तो ब्रायोनिया को आप यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, अगर ब्रायोनिया है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ड्राइनेस देखने को मिलेगा। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे हमारी लिप्स हो गई, हमारी टंग हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा ड्राई देखने को मिलेगा, ऐसा रहेगा जैसे क्रैक हो गई है और उसके बाद कट गई है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है तब आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे। इसके साथ यहाँ पे पानी की प्यास भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ग्रेट थर्स्ट है, लॉन्ग इंटरवल में एंड लॉन्ग क्वांटिटी, मतलब क्या पानी जो है इसको बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत देर के बाद और बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। अगर ऐसा है तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके हेड सिम्टम की बात करते हैं, अगर किसी पर्सन में हेडेक हो रहा हो झुकने से, जैसे मैं ऐसे झुकी, अब झुक के उठी और मुझे हेडेक होने लगा और ऐसा लग रहा है कि हेड जो है बस्ट हो जाएगा, स्पेशली फोरहेड में ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन है, स्पेशली जब मैं मॉर्निंग के समय में सो के उठी, अपनी आईज ओपन की, फर्स्ट टाइम आंखें खोली, तो ऐसा दर्द अगर देखने को मिल रहा है, रेस्ट के बाद अगर ऐसा दर्द देखने को मिल रहा है, सडन वार्म वेदर में चली गई, गर्मी में चली गई, उसकी वजह से अगर दर्द हो रहा है तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। और ये जो दर्द है इवनिंग तक बढ़ता ही जा रहा है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, मॉर्निंग से इवनिंग तक जो है दर्द बढ़ता ही जा रहा है और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाए अगर पर्सन को, तो भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एंजाइटी सिम्टम की बात करते हैं, तो इसका पर्सन जो होता है नौजिया अगर हो रहा है, जैसे उबा के आ रहे हैं, उल्टी से पहले वाला जो सेंसेशन होता है अगर वो हो रहा हो, उसकी वजह से उठ ना पा रहा हो, फेंट हो जा रहा हो, बेहोश हो जा रहा हो, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसमें कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन का रीजन क्या होता है, जो रेक्टम हो वो इनएक्टिव हो, या तो पर्सन में स्टूल पास आउट करने की डिजायर ना देखने को मिल रही हो और उसकी वजह से स्टूल जो है बहुत ज्यादा ड्राई देखने को मिल रहा है। ब्रायोनिया है तो ड्राइनेस होगी, बहुत ज्यादा ड्राई है, जैसे जल चुका है वैसा स्टूल देखने को मिल रहा हो। उसके बाद ऐसा लगता हो कि जब पर्सन सी वाली प्लेस में जाता है, जैसे गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बीचेस हो गए, वहां जाते ही अगर कॉन्स्टिपेशन से सफर करने लग रहा हो तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं अगर कोई पर्सन है ट्रैवलिंग करता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो, तो आप प्लेटिना के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब इसके डायरिया की बात करते हैं, तो डायरिया में बिलियस जैसा देखने को, मतलब ग्रीन कलर का हो रहा हो, उसके बाद एक्रिड हो, सोरनेस देखने को मिल रही हो, पार्ट्स में बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिल रहा हो और सडन गश आउट हो जा रहा हो स्टूल का, तो भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर जैसा फील होता है इसके स्टमक में, ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टोन रख दिया गया हो, कोई पत्थर रख दिया गया हो, वैसा अगर प्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा हो स्टमक में, और इरेक्टेशन से मतलब डकार से रिलीफ देखने को मिल रहा हो, तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप नक्स वोमिका से कंपेयर कर सकते हैं। नक्स वोमिका में क्या होता है, पर्सन जैसे ही खाना खाता है उसके बाद पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्टोन रख दिया गया हो, उसके पत्थर रख दिया गया हो पेट में एक दो घंटे के बाद, और ब्रेन जो है वर्क करना बंद कर देता है, दो से तीन घंटे के लिए कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो आप नक्स के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब इसके नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, फीमेल जेनिटल्स की, तो ये अगर किसी पर्सन का जो ब्रेस्ट है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो, ऐसा हार्ड हो जैसे स्टोनी हार्ड देखने को मिल रहा हो, पत्थर जैसे हार्ड हो, पेल कलर का देखने को मिल रहा हो, पेनफुल हो, तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आप फाइटोलका डिकांट्रा से कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे भी स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलती है, लेकिन एजली टेंडेंसी टू द केक वहां पे ये वर्ड लिखा हुआ है। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, फाइटोलका डिकांट्रा में नर्सिंग वूमेन जो होगी वो बच्चे को फीडिंग कराती है, तो उसके जैसे पूरा पेन जो है ना ब्रेस्ट से शुरू के पूरे बॉडी तक अगर पेन रेडिएट हो रहा है, तो आप फाइटोलका के बारे में सोचेंगे। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या हो गया, मेंसेस चल रहा था, मेंसेस आने बंद हो गए और नाक से ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, या स्टमक से ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो, एनस से ब्लीडिंग देखने को मिल रही हो मेंसेस की जगह पे, तब भी आप ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आप फॉस्फोरस भी सोच सकते हैं, सेम प्रेजेंटेशन वहां पे भी आपको देखने को मिलता है,
कि नाक से ब्लीडिंग हो रही है या बॉडी के किसी दूसरी जगह से ब्लीडिंग हो रही है मेंसेस के टाइम में, तो भी आप फॉस्फोरस या ब्रायोनिया के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसका कफ जो होता है ना बहुत ज्यादा ड्राई कफ देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा गैगलिंग देखने को मिलती है, उसके साथ बहुत ज्यादा वोमिटिंग देखने को मिल रही है पर्सन में, उसके साथ ऐसा लगता है कि जैसे खिंचाव हो रहा है, एकदम स्टिचिंग टाइप की फीलिंग आ रही है चेस्ट रीजन में, तब भी आप सोच सकते हैं। उसके साथ पर्सन में हेडेक देखने को मिलता है और ऐसा लगता है खांसी के साथ जब हेडेक हो रहा है कि हेड जो हमारा फोरहेड वाला पार्ट है वो पीसेस में उड़ रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है। अगर ऐसा प्रेजेंटेशन आपको फील हो रहा है, पर्सन बताता है कि ऐसा लगता है मुझे जब मुझे खांसी होती है तो ऐसा लगता है कि हेडेक हो रहा है और हेड टुकड़ों में उड़ रहा है, तब आप सोच सकते हैं खाना खाने से, पानी पीने से, वार्म वेदर में जाने से, वार्म रूम में इंटर करने से अगर खांसी बढ़ जा रही हो तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके एग्रावेशन की बात करते हैं, तो मोशन से मतलब कोई भी मोशन जैसे मूव करे पर्सन तो उससे उसको एग्रावेशन होगा, एक्जर्शन से, टच से, बैठने से, और यहां तक कि अगर कोई पर्सन गर्मी में चला जाए वार्म फूड ले ले तब भी उसको एग्रावेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसके एम्ब्यूरेशन की बात करते हैं, तो लेटने से, स्पेशली अगर पेनफुल साइड से अगर पर्सन आराम करे तो इसमें रिलीफ होगा। अगर पेनफुल साइड से हम बात कर रहे हैं तो पल्सेटिला, हमारी अमोनियम का, कैल्केरिया का, यहाँ पे क्या होता है पर्सन में जिस साइड दर्द हो रहा है उस साइड अगर पर्सन लेट जाता है तो रिलीफ देखने को मिलता है। अब हम ब्रायोनिया की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रेशर से, रेस्ट से, कोल्ड थिंग से एम्ब्यूरेशन देखने को मिलेगा। अब हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर ले कि मतलब अगर किसी पर्सन को आपने ब्रायोनिया दी है उससे रिजल्ट अच्छा आया है लेकिन क्योर नहीं हुआ है, तो आप कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, एलुमिना एंड रेस्टॉक्स आप दे सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है, इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं dr.premvatiyadav। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।